नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त अजय। आपके अपने चैनल आयांश फार्मिंग में आपका स्वागत है। हां किसान भाइयों, आपको स्क्रीन पर दो वीडियो नज़र आ रहा होगा। एक वीडियो धान रोपाई के 6 दिन बाद की है और दूसरी वीडियो धान रोपाई के 16 दिन बाद की है। दोनों एक ही खेत की वीडियो है। एक में देख रहे हैं पत्ते काफ़ी सूख रहे हैं, दूसरे में देख रहे हैं पौधे काफ़ी हरे भरे हैं और काफ़ी फुटाव दिख रहे हैं। किसान भाइयों, आपके भी धान रोपाई के बाद जलने या सूखने लगते हैं, तो इसे सही समय पर इसका रोकथाम नहीं किया तो आगे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जब तक पौधों के पत्ते स्वस्थ या हरा भरा नहीं रहेगा तो पौधे अच्छे से विकास नहीं कर पाएगा, ज़्यादा कल्ले भी नहीं आएंगे, पौधे के फुटाव में समस्या आ जाएगी। अगर आपका पौधा स्वस्थ रहेगा तभी वह अच्छे से प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा, जिसका फर्क आपको सीधे उसके ग्रोथ, कल्ले और उपज में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए किसान भाइयों, पौधों का सूखना समय रहते कंट्रोल कर लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर किसान भाइयों आपके खेत में यह समस्या बहुत थोड़े मात्रा में है तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर सूखने की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो इसे वक्त रहते इसे ठीक करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आज जानेंगे धान रोपाई के बाद क्यों पौधे जलने या सूखने लगते हैं और अगर होने लगा तो क्या उपचार करना चाहिए, जिसका जल्दी से लाभ किसान भाइयों को मिल जाए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाया है तो अवश्य दबा दें, जिससे खेती बाड़ी से संबंधित आने वाली सभी वीडियो की जानकारी मिल सके। ये जलने और सूखने वाली जो बीमारी है, ये धान रोपाई के 14 या 15 दिन के अंदर ही अधिकतर देखने को मिलता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे जब पौधों को नर्सरी से रोपाई करते हैं तब उस समय पौधे सही से ज़मीन से जुड़ नहीं पाते हैं और उस समय पौधे नरम भी होते हैं। तब उस समय अगर तगड़ी धूप लग जाती है तो उससे भी पौधों की जलने तथा सूखने की बीमारी पौधों में आ जाती है। पौधे उसको सह नहीं पाता है और साथ ही साथ उस समय खेतों में जो पानी रहता है वह भी काफ़ी धूप से गर्म हो जाता है, वह पानी भी पौधों को काफ़ी नुकसान करता है। यह भी एक कारण हो सकता है। अगर नर्सरी तैयार हो जाती है तब भी किसान भाई उसे देर से लगाते हैं तो भी एक कारण हो जाता है। अब बात इसको ठीक कैसे किया जाए, तो किसान भाइयों सबसे पहले जब आपको खेत में यह समस्या दिखाई दे तो तुरंत आप उस खेत में जो पहले से पानी लगा हो उसको निकाल दें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आप उसमें नया पानी डाल दें। अगर पहले वाला पानी नहीं निकल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उसी में नया पानी डाल दीजिए और यह आपको 12 दिन के अंदर कम से कम 2 बार कर देना है। और अगर आपने रोपाई करते समय जब आप ज़मीन तैयार किए थे उस समय आपने सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग नहीं किए हैं तो आप रोपाई के 6 दिन के अंदर सिंगल सुपर फास्फेट को और 10 दिन के अंदर 25 से 30 केजी यूरिया के साथ 1 केजी फिटकरी को पीसकर मिलाकर प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें और 20 दिन पर अच्छा क्वालिटी का जिंक का प्रयोग करें। जिंक का प्रयोग हमें किसान भाइयों धान की फसल में अवश्य करना चाहिए, जिससे पौधों में हरापन तथा कल्लों में वृद्धि करने में लाभ मिलता है और खैरा रोग से भी बचाता है। तो अब किसान भाइयों कुछ ध्यान देने वाली बात कर लेते हैं। जैसे आपकी नर्सरी 20 से 25 दिन की हो जाती है उसके अंदर ही आपको उसकी रोपाई कर लेनी चाहिए। रोपाई करते समय मौसम में ठंडापन होना जरूरी है। ज़्यादा गर्म मौसम में रोपाई करने पर यह समस्या देखने को मिल सकती है। तो इन सब चीज़ों को आप सबको ध्यान में रखना है। तो किसान भाइयों जिन बातों को मैंने बताया है उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको 100% लाभ मिलेगा। ये देखिए, मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये रोपाई के 6 दिन बाद का वीडियो है और ये धान रोपाई के 16 दिन बाद का वीडियो है उसी खेत की। पहले कैसा था और अब देख लीजिए कैसा है, इसका स्पष्ट फर्क दिखाई दे रहा है।
उम्मीद है किसान भाइयों, आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपके पास भी कोई सुझाव हो तो अवश्य कमेंट्स करके हमें बताएं। जय हिंद, जय किसान।